हेलो गाइस, वेलकम टू थर्टिल्स 360। तो आज बात करते हैं सर्कस के टेलर के ऊपर। सर्कस का टेलर आज फाइनली लॉन्च हुआ है और एज यूजुअल ये रोहित शेट्टी स्टाइल मसाला एंटरटेनर होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्कस एक एडेप्टेड मूवी है। ओरिजिनल स्टोरी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसके बाद अंगूर, दो दुनी चार, बंगाली मूवी भ्रांति बिल्लास जैसी मूवीज बन चुकी है सर्कस से पहले। अब रोहित शेट्टी ने बोला है कि कंप्लीट मूवी कॉपी नहीं है, अब ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। खैर, मूवी की बात करें तो मूवी आपको 1960s के एरा में ले जाती है और मूवी का मेन सेंटर पॉइंट एक सर्कस के अराउंड होगा। उसी सर्कस के एक स्टंटमैन के रोल में दिखते हैं रणबीर सिंह, जिसको इलेक्ट्रिक मैन बोला जाता है क्योंकि उसके पास इनबिल्ट इलेक्ट्रिक पावर्स है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट एंड रणबीर सिंह के साथ साथ उसके दोस्त वरुण शर्मा का भी हमशक्ल होता है और इसी की वजह से जो कन्फ्यूजन होंगे, कांड होगा, वही बेसिकली मूवी का प्लॉट है। एक नहीं बल्कि दो दो हमशक्ल होंगे तो फिर कन्फ्यूजन तो जरूर होगा। अब बात करें ट्रेलर की तो मुझे ट्रेलर काफी एवरेज लगा, मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रेलर एडिटिंग। सब कुछ ही दिखा दिया भाई, हर किसी को दिखाने में ही ट्रेलर चला गया। 3 मिनट 38 सेकंड्स का ट्रेलर है जिसमें हर किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में ही चला गया। इवन दीपिका पादुकोण को भी दिखा दिया गया, जिनका एक कैमियो सॉन्ग होने वाला है। बस अजय देवगन को नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, अजय देवगन का भी कैमियो होने वाला है। एंड सेम वही गोलमाल दिलवाले वाली भाई। आई नो रोहित शेट्टी की ये सिग्नेचर स्टाइल है, मोस्टली गोवा में शूटिंग होती है, फिर सेम कास्ट होती है और ये फॉर्मूला उनके लिए काम भी करता है। हर बार ऑडियंस एंजॉय करती है क्योंकि कास्ट ही इतना दमदार होता है। उसके बाद कॉमेडी भी बहुत अच्छी होती है एंड क्रिंज फील नहीं होता है। लेकिन इस बार थोड़ा मुझे क्रिंज फील हुआ, मेनली कुछ डायलॉग्स जैसे अपना पैर छू लो, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, मैं अजीबो गरीब नहीं मैं अजीबो अमीर हूँ, वगैरह वगैरह, इतना मुझे इंपैक्टफुल नहीं लगा। और वही सेम कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, संजय मिश्र का वही ऑस्कर भाई वाला टोन, उसके बाद जॉनी लीवर का वही कन्फ्यूज वाला कैरेक्टर, जैसे कि इनको मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं बहरा नहीं हूँ। एंड ब्रजेश हिरजे का सेम वही सपेरा वाला स्टाइल। मैं जानता हूँ ये फॉर्मूला काफी बार यूज किया है रोहित शेट्टी ने, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था। सर्कस एक अलग मूवी ना होके गोलमाल का ही स्पिन ऑफ मूवी लग रहा है और ये ऑफिशियली किसी भी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है वैसे। हाँ, आप कह सकते हो कि रोहित शेट्टी का ही यूनिवर्स है, लेकिन उनका ऑलरेडी कॉप यूनिवर्स भी है, सो थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए था। गोलमाल से याद आया ट्रेलर का एंडिंग जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, जहां हमें गोपाल माधव, दो लक्ष्मण और लकी का बचपन दिखाया जाता है विद गोलमाल का आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक। तो शायद इनका भी कैमियो हमको देखने को मिल सकता है और शायद उसके बाद गोलमाल 5 का भी कुछ रेफरेंस देखने को मिले मूवी में। लेकिन यार, मैं गोलमाल 5 में शर्मन जोशी को भी देखना चाहूंगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसको फिर से वापस गोलमाल फ्रेंचाइजी में देखने के लिए। और रिसेंटली कुछ मीटिंग भी हुआ है रोहित शेट्टी और शर्मन जोशी के बीच, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।